मरोना धाम के बहन जी महाराज के कुछ नहीं कर सकता है क्या समस्या लेकर आई थी आप मरोना धाम? जी जाती है, बहुत परेशान करती है। रास्ते में बस में बाबा आए, कम्बल पहने हैं संतरी कलर का, तैमल पह रहे हैं। चर्चा है हर जुबान पे तेरा आम सांवरा, कृपा लुटा रहा है मेरा श्याम सांवरा। सांवरिया से कर ले प्रीत, जग में तेरी होगी जीत। सांवरिया से कर ले प्रीत, जग में तेरी होगी जीत। हारे का वो साथी है, वो ही बनेगा तेरा मीत। सबके संभालता, सबके संभालता, सबके संभालता, वो बिगड़े काम सांवरा। कृपा लुटा रहा है मेरा श्याम सांवरा। जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आप जो आज ये कपड़े का टुकड़ा देख रहे हैं ना, ये वास्तव में कोई साधारण टुकड़ा नहीं है। ये बाबा श्री श्याम जो कि पूरे साल भर एक अंता वस्त्र पहनते हैं, ये उसी वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा है। यह पीले रंग का 1.25 मीटर का एक वास्तव में बड़ा कपड़ा होता है, जो बाबा श्री श्याम के चारों ओर से लिपटा रहता है, जिस कारण इसमें बाबा के दिव्य गुण विद्यमान हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी लोहे को यदि हम चुंबक से पूरी साल चिपका के रखें तो क्या होगा, चुंबकत्वीय गुण उस लोहे के टुकड़े में आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये बागा, ये कपड़ा जब बाबा से पूरी साल लिपटा रहता है तो इसके अंदर भी बाबा के दिव्य गुण विद्यमान हो जाते हैं। इसको वर्ष में केवल हम एक बार चेंज करते हैं। जो भी किसी श्याम मंदिर के पुजारी या महंत जी होते हैं, वो इस वस्त्र को, 1.25 मीटर के वस्त्र को वर्ष में एक बार बसंत पंचमी वाले दिन बदलते हैं और उसी वस्त्र के टुकड़े कर करके प्रत्येक श्याम प्रेमियों को बांट दिया जाता है। यही टुकड़ा बाघा कहलाता है। बाबा का जो वस्त्र है वो बाघा नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन है लोगों को। बाबा के वस्त्र को हम वस्त्र ही बोलते हैं, उसी वस्त्र का जो हम टुकड़ा कर करके बांटते हैं, कतरन करके बांटते हैं, तो यही कतरन वास्तव में बाघा कहलाती है। और यह बाघा इतना महत्वपूर्ण है, कहते हैं बाघा और बाधा, बाधा को दूर करने वाला जो दिव्य यंत्र है वो है ये बाघा। ये पीले रंग का कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है। इसकी ताकत को अगर देखना है, बाबा श्री श्याम की ताकत को देखना है, तो एक बार ये बाघा आप धारण करके देखो, इस बाघा को अपने घर में ला के देखो, फिर देखना प्यारे साथियों इस बाघा का सबसे बड़ा चमत्कार। कहते हैं कि बड़े से बड़े चमत्कार, बड़े से बड़े चीजों को हल करने की ताकत रखता है, एक मुर्दा व्यक्ति को भी जीवित करने की ताकत रखता है ये बाघा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, कितनी बड़ी बाधा हो, कोई घर में काम नहीं बन रहा हो, कलेश हो रही हो, घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो इस बाघा का आप प्रयोग करना। घर पे लाने के बाद बाबा श्री श्याम के शुभ चरणों में इसको दीपक जलाने के बाद 7 बार उस दीपक के ऊपर से आपको घुमाना है और ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना है और बाबा श्री श्याम के चरणों में आप इस बाघा को रख देना और बाबा से ये प्रार्थना करना कि हे बाबा, इस बाघा के रूप में आप स्वयं हमारे यहाँ पर, हमारे घर में विद्यमान हो जाइए और हमारे ऊपर जितने भी कलेश हैं, संकट हैं, हमारे घर पे जो परेशानियां हैं वो इस बाघा के रूप में दूर करें, सारी बाधाओं को दूर करें और ये बाघा हमेशा, बाघा के रूप में आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें, ताकि हमारे ऊपर सुख समृद्धि और हमारी सारी परेशानियां दूर होती चली जाएं। प्यारे साथियों, इस बाघा को 14 फरवरी के दिन मनोना धाम में
और प्रत्येक श्याम मंदिर में बांटा गया। मनोना धाम में जिन जिन श्याम प्रेमियों ने ये बाघा लिया उन लोगों ने बताया कि उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए, बाघा ने बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं की हैं उनके साथ में। लाज चमत्कार, जैसे बाघा लिया वैसे ही चमत्कार। बाघा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है हमारे किसी भी काम बनाने के लिए, किसी भी संकट का निवारण करने के लिए। प्यारे साथियों, 14 फरवरी को ये बाघा जब बांटा गया तो प्रत्येक श्याम प्रेमी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और कुछ श्याम प्रेमियों ने ग्रहण किया, उसके बाद में उनके साथ में बाबा के लाइव चमत्कार हुए, बाबा की बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं हुई जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें हमारे इस वीडियो में। जो आज आप बाघा बांट रहे हो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब ये किस उपलक्ष्य में, मतलब इससे क्या महत्व है? ये बाघा जो है बाबा पूरे एक साल तक, वैसे तो बहुत बाघा चढ़ते हैं लेकिन जो एक बाघा होता है जो पूरे साल तक बाबा अपने शरीर पर धारण करते हैं, जो कि बसंत पंचमी वाले दिन ही बांटा जाता है। हाँ, बाबा का वस्त्र होता है। हाँ हाँ, ये बाघा बासंती जिसे कहते हैं, बाबा का वस्त्र अंतर वस्त्र होता है, तो साल में मतलब एक बार ये चेंज किया जाता है। हाँ, ये साल में एक सिर्फ यही वस्त्र है जो बाबा पूरी साल अपने गले से लगा के पहनते हैं। मतलब बसंत पंचमी के दिन चेंज होता है ये। भैया ऐसे महत्व थोड़ा बता दीजिए। इसका महत्व तो बहुत है लेकिन इसके नियम भी बहुत है, इसके नियम भी बहुत है, महत्व भी बहुत है। हाँ, इसका महत्व तो इतना है कि एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा उसे, ये शक्ति है इसमें। बाबा के बाघा में इतनी शक्ति है ना कि एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, बहुत शक्ति होती है इस बाघा में और ये साल में एक ही बार चेंज होता है। भैया ये जो है आज ही बटेगा या फिर और भी दिनों बटेगा? नहीं, वैसे तो बट जाता है लेकिन जो महत्व आ जाए वो बाद में नहीं रहता। आज का विशेष महत्व, आज का विशेष महत्व, बाघा एक ऐसा वस्त्र होता है कि जो अगर आप धारण करे हुए हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। कहा गया है कि अगर आप बाघा धारण करे हुए हैं तो यमराज भी एक बार को आपके पीछे लौट जाएंगे। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से आई हो आप? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से आई? हाँ। क्या समस्या लेकर आई थी आप मनोना धाम? हमारे ऊपर चीज आती है, बहुत परेशान करती है। और समस्या है जो 4-5 साल पहले लॉकडाउन लगा था तभी से है, तब पता लगी। हम कहीं गए मंदिर तब से मैं पता लगी, जब से जहाँ जाते हैं तो हटती नहीं है। हाँ, तो यहाँ पहली बार आई हो? हाँ, पहली फेर आई हूँ। तो पहली बार आप, इससे पहले जैसे मान लो जो ऊपरी व्याधा थी आपके, तो कहीं दिखाया आपने? हाँ, भगत को भी दिखाया, मंदिर भी गए, बालाजी भी गए, सजेरा धाम गए। जी जी। हाँ, हल कहीं नहीं हुआ, मतलब लाभ कहीं नहीं हुआ, अकेली और बस लौट आई वापस, ऐसे करती है। तो आप जैसे मनोना धाम आज पहली बार आई हो तो यहाँ पर आने के बाद कुछ अनुभव हुआ? जैसे लाइन में लगे तब तब ऐसी आ गई, हम ही इन पर कह रहे हैं फिर भी हमें ठीक कर दे। अच्छा, हमारे पेशी आ गई। अच्छा, हाँ। तो उधर जाएगा तो हमें बाबा ने खेचो। अच्छा, ऐसे पकड़ के बाहर। अच्छा जी। तो जैसे आप रास्ते में बता रही थी कि रास्ते में क्या अनुभव हुआ? रास्ते में बस में बाबा आए, कम्बल लपेटे हैं संतरी कलर का, तैमल पहरे हैं और ऊपर बाल हैं बड़े बड़े सुनहरे कलर के। तो वे कह रहे हैं तुझे जिसने इसको बड़ा तूने परेशान कर लिया, अब तुझे हूं समारूंगा, जाए हूं चल चल मेरे धाम पे। बहन जी, बहन जी आए कम्बल लपेटे हुए? हाँ, सपने में या साक्षात रूप? हम जगह जैसे ऐसे बैठे हैं ऐसे ही हम देख रहे, सोए नहीं रहे हम ना, मतलब वो खुली आंखों से आपने देखा, कह रहे हैं ऐसी कर रहे हैं। तो मतलब आपके ऊपर जो भी समस्या थी उससे कह रहे हैं महन जी? हाँ, तो तेरा हल हूँ नहीं होएगा, तुझे हूँ काटूंगा, तूने बहुत जलील कर लिया। हाँ, क्या बात है। तो मतलब जैसे बैठे हैं ऐसे ही कह रहे हैं, ये साक्षात रूप में आपने देखा है? हाँ, हाँ। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। इनकी छवि ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे आपने ये चीज देखी उसके बाद में फिर आपको कैसा अनुभव फील हुआ? बस से हम उतर के आए तब कछु नहीं था, हीन पे लगे लाइन में, वो उधर प्रसाद चढ़ाया तब कछु नहीं, जमवाई तो आती रही मगर जब लाइन में हीन पे लगे तब हमारे पेशी आई। अच्छा। हमने बाबा हम खाली हीन समझ गए, इसको ऐसा कल्याण करियो जी जी, कभी याद कर, हम सब में से ऐसी रोत भी आए। कितना भरोसा हो गया आपको यहाँ से, आप भरोसा हमें बहुत है। बाबा ने रास्ते में संकेत दे दिया महन जी के रूप में, दर्शन करा के तस्वीर दे दिया। क्या बात है, तो पूरा भरोसा लेकर आयु आज के नहीं, बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महन जी महाराज के। जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम। कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से आए, सास अलीगढ़ से। भैया क्या समस्या लेकर आए थे? मेरी बेटी 12 साल से परेशान है।
अच्छा। फिर उन्होंने बताया सिर भी खेलते है, आज बिल्कुल ना खेली। अच्छा। सही है, ऊपरी चक्कर। हाँ ऊपर लो। कब से है बेटा आपको? 8 साल हो गए, 8 साल से ज्यादा हो गए। 8 साल से ज्यादा हो गए, तो कैसा अनुभव होता है आपको? मतलब चक्कर आते हैं, दांत ही मिच जाती है। अच्छा। हाँ। ये महसूस होता है शरीर भारी भारी हो रहा है? कुछ है शरीर में? हाँ सिर भी भारी होता है। तो भैया पहले कहीं दिखाए थे? पहले बहुत जगह ले गए हम, मेहंदीपुर बालाजी ले गए और बागेश्वर बावन के हिंग डुला लाए हमें से, मतलब निरे सियाने पे दिखा ली कहीं लाभना, लेकिन आज हमारी बेटी रात से भी सही है। अच्छा। घर से चले अभी तो सही है, पैरों में दर्द भी नहीं है ना, सिर खेली बिल्कुल। पहली बार आये? पहली बार यार। अब पहली बार में ही इतना मतलब आपको अनुभव हो गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आराम हुआ है? अब विश्वास पे है जी, आराम बेटा हुआ है महसूस। रात से कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा, जब से यहाँ मरोना धाम आप रुकी हुई है तब से? कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। तो भैया कितना भरोसा आपको हो चुका है कि आपकी कलेश मरोना धाम में कटेगी? हम तो कह रहे हैं बाबा के यहाँ कलेश कट जाए, हमारी तो बस यही चाहते है। हम तो और जुड़े हैं, हम तो और आएंगे फिर संग में, लेकिन मेरी बेटी की 3 साल पढ़ाई मारी गई, मैंने बाबा से भी बोली, बाबा ने बोले अब कोई परेशानी नहीं आएगी। सही है, और रात रात भर नहीं सोन देती है, रात हम मंदिर में सो रहे नीचे, तो मैंने पूछी बेटी कोई परेशानी है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, ना दर्द है ना कुछ, ना सपना भी आया। सपना भी आता है? हाँ बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, खींच के ले जाते हैं इसे। हाँ बहुत परेशान, हम 12 साल से है गई हमें। तो आप सपना अपना तो बेटा नहीं आया है? तो ये अभी बाबा का लाइव चमत्कार हुआ है भैया के नाम। हाँ, हारे के सहारे के श्याम प्यारे के मरोना धाम, बहन जी महाराज सहारे के मरोना धाम के, बहन जी महाराज के श्याम प्यारे के। हारे के सहारे के। हाँ। कैसा अनुभव होता है आपको जब कोई ऊपरी बाधा जब परेशान करती है? गंदी हरकत करते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे अनुभव होता है आपको, कुछ है हमारे शरीर के ऊपर कोई साया है? हाँ है जी, लगता समय है। हाँ है जी। तो यहाँ बाबा के दरबार में आप खड़ी हो, जैसे बाबा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, बाबा का कोई चमत्कार नहीं है? नहीं है, है चमत्कार था, बहुत फर्क पड़ा है जब से, अगर बाहर जाओ तो बुला लेते हैं अपने पास ही गैली। हाँ। जैसे आप धाम से बाहर जाती हो? हाँ, तो गैल बुला लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी साइड। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे बाहर जा रही हो तो लग रहा है कि बाबा खींचते हैं? हाँ, हाँ। हाँ। जी। तो बाबा का अनुभव होता है तुम्हें? बाबा यहाँ पर है। हाँ। विद्यमान है यहाँ पर? हाँ है जी। इस समय अभी मन चली थी वो चुड़ैल, मैं नहीं हूँ चुड़ैल। इस समय आपके ऊपर है कोई साया? हाँ है। बाबा को मानती हो आप? हाँ बहुत मानती हूँ, जोत भी जलाई थी बर्थडे पर। जी जी। बाबा ठीक करेंगे पूरा विश्वास लेकर? हाँ विश्वास है, ठीक करेंगे, ठीक करेंगे खुद अपना, ठीक हो गई जाएंगे। बोल दो श्याम प्यारे के मरोना धाम के, हारे के सहारे के मरोना धाम के, महन जी महाराज के श्याम प्यारे के। कहाँ से आई आप? करावल नगर दिल्ली से। कितनी बार मरोना धाम आ चुकी? पहली बार आए। पहली बार, कैसे जानकारी मिली थी आप? हमने यूट्यूब पे उससे देखा था, नेट से। यूट्यूब से देखा? हाँ। तो मतलब ये बेटी है आप? हाँ बेटी है। क्या समस्या लेकर आई हूँ? बस ये है बाबा के धाम पे यही आए गए, ऊपरी बाधा जो खत्म हो जा। अच्छा। तो कितने समय से है ये बाधा? इसको 7वें वाले दिन से हुई है, नवरात्र से। नवरात्र? हाँ। तो उससे पहले कहीं दिखाया था आप? हाँ बहुत जगह दिखाया, बालाजी भी गए पर कोई से कोई आराम नहीं लगा। अब बाबा के दर पर आए, देखो क्या होता है। पहली बार आई हुआ? हाँ पहली बार आए। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए भैया आप? हम कनावली से। अच्छा। खोड़ा से। तो भैया खोड़ा मतलब गाजियाबाद के पास? हाँ गाजियाबाद के पास। क्या मतलब समस्या लेकर आए थे मरोना धाम, और क्या मतलब हार्ड हुआ है यहाँ पर मरोना धाम? हमारा ये हुआ जी, हम पहले दारू पीता था, हलवाई का लंबर एक का काम करता हूँ, तो लेबर भी काम करती है, बाकी मैं सबकी कसम खा के फिर भी दारू पी लेता था। अब जब से मैं यहाँ आया हूँ दूसरी बार, मुझे खोड़ा वाले लेके आए तो उन्होंने कहा भाई
बताओ क्या समस्या। मैं नहीं थी समस्या कुछ भी ना, तो मैंने यहाँ भी 8 पौवे पिए थे जिस दिन आया था। अच्छा, जिस दिन आया मनोना नाम भी नहीं छोड़ा आपने, भी पिए थे मैंने। अच्छा। पीने के बाद में मैंने क्या किया, वो बस यहाँ से जब चले हम 2 दिन के बाद हमने नाम राम राम करी। अच्छा। हमने कहा आज के बाद हम नहीं पियेंगे, हमारी आंख में खुद ही ऐसी पलट गई। अच्छा। हाँ, जो ये काम मेरा 4 महीने से नहीं हो रहा था, बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा जब तक मैं जाऊँ जब तक मेरा काम हो जाना चाहिए। अच्छा। वो काम हो गया मेरा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आने थे मेरे कहीं से। अच्छा। वो नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब आ गए। यहाँ पर आपने ऐसे अर्जी लगाई बाबा से, बोला जैसा भी है। हाँ। तो उसके बाद आपका मतलब काम हो गया, काम हो गया जाने के बाद। हाँ। तो मतलब पहली बार आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आपने सच्चाई बताई। हाँ। कितने पौवे पिए आपने? 8 पौवे। 8 पौवे, 8 पौवे पिए आपने? हाँ। मरोड़ा धाम में? हाँ, 3 बार। क्या बात है यार। फिर 34 साल पीता था मैं, सुबह 7 बजे दारू पी लेता। अच्छा। अब नहीं पीता, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी, मतलब चाय की तरह शुरू करते हैं। हाँ, अब हमेरा कुछ नहीं। अच्छा, अब तो मेरा मन भी नहीं करता। तो मतलब अब यहाँ से जाने के बाद जब से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा यानी काम बनाया, तब से आपने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया सन्यास? हाँ, सन्यास ले लिया मैं। बाबा की लीन में ही हूँ बस। कितना मतलब बाबा के एहसान मंद रहोगे? मैं जिंदगी भर बस बाबा बुलाएंगे तो आएंगे, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह सकता। अच्छा, जब भी बुलाएं मतलब? हाँ, जब बुलाएंगे जब भी आएंगे। बाबा ने बड़ा चमत्कार कर दिया। चमत्कार की मतलब आपकी दारू छूट गई, आप काम बना दिया, 5 लाख रुपए दिला दिए, तो उससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? सही बात है। बहुत परेशान थे जी 1 महीने से। दारू आप पीते हो तो मतलब कितना रुपया आपका बचता होगा बहन? अब नहीं बचता, अब तो बचता, दूध पीता हूँ। हाँ, दोनों में भी दूध पीते, बच्चे पीते हमारे। अब मतलब दूध नहीं पीते थे पहले, दूध नहीं दारू चलती थी। अच्छा, और अब मतलब बाबा का कृपा से सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया, पर घर में भी कोई परेशानी नहीं। दो रोटी बढ़िया चमत्कार हुआ। हाँ, 2 रोटी बढ़िया मिल रही है। जिस दिन आप भी बाबा के आया तो फिर भी मुझे 8,000 रुपए का काम मिला। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री। मनोना धाम में आज हम खड़े हुए हैं और एक बस आई है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुगण दूर से आए हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे कहाँ से आए हैं। बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महन जी महाराज के। देखिए, तीर्थ यात्रा मनोना धाम खाटू श्याम मामला बरेली दिल्ली ITI पब्लिक स्कूल खोड़ा कार गाजियाबाद से लोग आए हैं। ये सीट बुक करने के लिए संपर्क करें, बीरेन शर्मा एक भाई हैं जो कि बस लेकर आए हुए हैं, शायद इनका नंबर ये है, तो इनसे सभी से बात करते हैं। ये हमारे भाई बीरेंद्र जी हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। तो आप, ये आपके स्वजन से हो रहा है सब प्रोग्राम? हाँ, सब कुछ हमारी। क्या बात है भैया। तो ये तो बाबा का बहुत बड़ा मतलब एक प्यार आपको मिला, आप इतने लोगों को दर्शन करा रहे हो, तो पूरा पुण्य लग रहा है, आप ही कमाओगे। वो तो बाबा की इच्छा है। सभी लोगों का पुण्य भी तो आपको मिलेगा, इतने लोगों को आप लेकर आ रहे हो। 16वीं बार 15वीं बार आए हैं। तो लगभग कितने लोग आ जाते होंगे? 40 से 45 लोग आते हैं। 40 से 50 लोग। तो इतना लोगों को आप लेकर आ रहे हो और अपनी स्वजन से आपने ऐसा ही बैनर लगवा रखा। तो भैया मैं एक बात जान, इधर आ जाओ, धूप आ रही है। तो भैया आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना लोगों को आप लेकर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बाबा की कृपा आपके साथ जरूर हुई होगी, क्योंकि बिना चमत्कार हुए तो आप लेकर आते नहीं किसी को। आप 50 की छोड़ो, आप अकेले भी नहीं आते अगर आपके साथ चमत्कार नहीं होता तो। सही है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या आपके साथ बाबा की कृपा हुई है? पहली दफा आए थे, बाबा से जो मनोकामना पूर्ण करके गए थे वो पूरी हो गई। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में हमने कहा यहाँ पे और कुछ मिलेगा। अच्छा। हाँ, फिर हर दफा आते हैं, कुछ ना कुछ कह के जाते हैं, और बाबा हर महीने हमें बुला लेते हैं, पूरी कर दे। क्या बात है। और हमें क्या चाहिए, और 50 लोगों के दर्शन कराते हैं हर महीने। हर महीने का नियम है आपका? नियम जैसा इसमें बैनर में दिया, आखिरी संडे महीने के, मतलब आते ही आते, आते ही आते हैं। बाबा से ये कह के जाते हैं, बाबा जिस दिन अंजा करवा दिया उसी दिन धाम आना बंद कर देंगे। हाँ, तो बाबा ने अभी तक 16वीं 15वीं बार आ गए हैं, अभी तो अंजा कराया नहीं। क्या बात, मतलब गैप कोई नहीं कराया, कंटिन्यू आ रहे? नहीं नहीं, हाँ कंटिन्यू आ रहे, रोज आ रहे, हाँ हर महीने आ रहे। कितना समय हो गया आपको लगभग आते हुए? 15 महीने हो गए आते हुए। 15 महीने, हर महीने में? तो 15 महीने से मतलब बाबा का प्यार आशीर्वाद पूरा मिला? पूरा मिला। घर परिवार में बताओ? बहुत खुशी गूंज रही है। तो आपके साथ में ऐसे ही 50 लोग आपने बताए आते हैं, तो जैसे ये सब लोग आते हैं आपके साथ में, तो इनके साथ में किसी के साथ बाबा की कोई कृपा हुई है? हाँ, तो सबके साथ हुई है। आप बताओ तो, लेके आ रहे हैं क्या? मतलब बाबा कोई प्यार आशीर्वाद आपको मिला? मिला। ये तो बताएं क्या मतलब बाबा ने आशीर्वाद दिया? काम धंधा से परेशान थे, काम धंधा सब ठीक ठाक चल रहा है, घर परिवार सब सही है, सब बढ़िया सब कुछ। हाँ, बाबा का कृपा। आप बताएं भैया, आप
भैया मेरी कुछ समस्या थी, दवाई वगैरह चल रही है मेरी, तो वही समस्या ठीक हो जाए, इस बार लेट के जाऊंगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद लगाएंगे आप। आप बता, मैंने आपने कोई अच्छी लगा रखी है, अभी देखो मनोकामना तो पूरी जरूर होगी। जी जी, क्यों ना होगी, फिर आएंगे जी। मतलब अर्जी लगा दी है तो आपने बस पूरे दिल में मतलब भरोसा हो गया, पूरे कि दिल से लगाई है जी जी, पूरा विश्वास है कि बाबा, विश्वास है क्यों ना होगा, पूरा सपा होता है तो हमारा भी होगा। आप बता बेटा, आपकी क्या मतलब बाबा ने कोई इच्छा पूरी करी? मेरी तो बाबा ने सब इच्छा पूरी करी, जो मैं बोल के जाती हूँ वो मेरी पूरी होती है। अच्छा, हाँ तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बाबा सुनते हैं तुम्हारी? हाँ, बाबा तो हर महीने सुनते हैं, जो मैं बोल के जाती हूँ हर महीने मेरी पूरी होती है जी जी। और बाबा हर महीने बुलाते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बाबा को भी ये साथ में लेकर आती हूँ? हाँ, बाबा को भी हर महीने साथ। देखिए, आपको दर्शन कराए बाबा के, बहुत वाह भाई वाह, क्या कितना सुंदर जो है दृश्य है बाबा का। आप लोग भी वीडियो में जो भी देख रहे हैं, बाबा का दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो आज बाबा को लेकर आई, हर महीने लेकर आती? हाँ, बाबा को हर महीने लेके आती। तो ये पापा हैं आपके? हाँ, ये मेरे पापा हैं। तो 15 बार आ चुके हैं ऐसा बताया, तो 15 बार आप भी साथ में आती हैं? नहीं, मैं तो 2 बार नहीं आई हूँ। अच्छा, अच्छा, 13 बार आ चुके। 13 बार आ चुके। 13 बार। तो हर बार बाबा को साथ में लेकर? हाँ, हर बार बाबा को साथ। कैसी मतलब फीलिंग रहती है आप? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आती हूँ बाबा से जो कह के जाती हूँ मनोकामना वो मेरी बाबा पूरी करते हैं। हर महीने बाबा बुलाते हैं, हर महीने हम आते हैं। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। आप बताओ, आपने जय श्री श्याम पूरी करी? हाँ, पूरी की है। कुछ बातों पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है? अगर जैसे कोई बात नहीं, जैसे कोई बात है और हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे बाबा पूरी कर देंगे? उसको विश्वास करो ना, मेन बात है विश्वास की। अगर विश्वास है तो बात पूरी होगी, जब विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे करेंगे? बाबा ने कोई चमत्कार आपके साथ किया? हाँ, चमत्कार किया है। मैं तो अपने घर में सुख शांति मांग रही कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और बस। आप बताओ बहन, आप? हाँ, बस कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। हाँ, कितनी बार आ चुकी वैसे आप? हम परिवार के साथ आते हैं। अच्छा, हाँ। और देखो, लड़की के जो गांठ थी वो भी नहीं आई है। इन्हीं की थी? हाँ, इन्हीं की थी। 6 साल, कितना समय? 6-7 बार इंतजाम करवाया था, उसमें भटके ही आती थी। जब से मैंने मनोनंदा में ही अर्जी लगाई है, जब से फिर इंतजाम लास्ट बार करवाया था तो नॉर्मल आया है। हाँ, अब कुछ नहीं है, नॉर्मल है। गांठ थी पहले? हाँ, गांठ थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था जी जी, कि ऑपरेशन करवाने पड़ेगा जी। अब मतलब स्वस्थ है जब? हाँ, से आपने मनोनिधान माना? दिक्कत नहीं है, नहीं, अब सही है। बहुत, हाँ, अब बहुत दवाई खाती थी, 24 घंटे दवाई दवाई। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ छूट गई है? यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आने के बाद में दवाई तो नहीं खाई? नहीं, यहाँ आए जब से एक दवाई नहीं खाई है। और नई दवाई को भागते ही रहते थे, परेशान हो गए दवाई कराते कराते, अब एक रुपए की दवाई नहीं खा रहे। बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चमत्कार है जी जी जी। हाँ। आप बताएं भैया, कुछ कह रहे थे? देखो भैया, ये कह रहे थे हम कि महंत जी जो हैं यहाँ पे इंसान का रूप है, उनमें स्वयं भगवान ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जिसने उनको मान लिया ना, मौजी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने तो पूरा जीवन ही दान कर दिया बाबा को। अच्छा, जब तक जिंदगी है तब तक जीवन बाबा के ही साथ गुजरेगा, बाकी बाबा की इच्छा है और जो कह देते हैं वो पूरी कर देते हैं, और कहीं चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा क्या चमत्कार और क्या होगा? हाँ। कलयुग में इससे बड़ा चमत्कार हो भी कह सकता है कलयुग के देवता। यह तो बात है महंत जी की। जी जी, महंत जी ने जिसको टच कर दिया उसका काम ही सफल हो गया। महंत जी वास्तव में मतलब बाबा के प्रतिरूप के रूप में, इंसान के रूप में है, बाकी स्वयं भगवान ही बैठे हुए। हमारी आंखों के सामने एक मरीज आया था, उसके हाथ में कुछ दिक्कत थी, तो महंत जी ने हाथ उठाया, बिल्कुल उठ नहीं रहा था। उसके बाद में जब हाथ उठाया ना, पूरी तरीके से हाथ उठ गया था। क्या बात है, तो ये भी बाबा का लाइफ चमत्कार है कि नहीं भैया? आप बताएं, है चमत्कार कि नहीं है? एक बार बोल दो, श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महंत जी महाराज के, जय श्री श्याम। मेरे पापा पता है हमेशा मम्मी से लड़ते रहते थे, मैंने यही बोला था मेरे पापा मतलब मम्मी से लड़ना बंद कर दे, एक दिन में रोज लड़ाई होती थी, पापा रोज लड़ते थे मम्मी से, आते थे मम्मी से लड़ना चालू कर देते थे। अच्छा, तो आपने अर्जी लगाई थी? हाँ, लगाई थी और बोला था कि मेरे पापा की बुद्धि सही कर दो, मतलब तो मतलब हाँ, अब तो सही रहते हैं, जब से बाबा के दरबार आते हैं लड़ना बंद कर दिया है, मतलब। अच्छा। माँ रोज लड़ते थे मेरी मम्मी से। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे दारू वारू पीते थे? नहीं, वो कुछ नहीं करते, तो ऐसी लड़ते। हाँ। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत नहीं? अब कुछ नहीं है, बाबा की कृपा से घर परिवार में सब सही है। हाँ, अब सब मम्मी सही है। आप खुश हैं? हाँ, मम्मी खुश है। मम्मी आती है दरबार? हाँ, मम्मी जरूर आती है, सब लोग आते हैं।
तो सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। बोलो श्याम प्यारे के मनोरा धाम की जय जय श्री श्याम। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से। एमपी जी। इतना दूर से आप मनोरा धाम आए, कैसे जानकारी हुई आपको मनोरा धाम जी? हमारे जो मिसेज हैं आपकी भाभी जी, तो वो बताए मेरे को, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। मनोरा धाम में ऐसा होता है कि बहुत से लोग सही हुए हैं। आपकी भी तो, मेरी बहुत तबीयत खराब थी सर मेरी। अच्छा। 8-10 साल से परेशान था मैं। अच्छा जी। हाँ, ब्लैक आउट हो गया था बिल्कुल। जी जी जी। तो यहाँ के मेरे को बहुत फायदा मिला है। अच्छा। और थोड़ी सी रह गया, इतना इतनी बड़ी बीमारी से उतनी रहेगी सर। अच्छा। जी बाबा की कृपा, मानती जी से आज मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने पूछा मेरे से, जब जल पिलाते ना तो उन्होंने पूछा अब पहले से कैसे हो? मैंने कहा ठीक हो, मेरी थोड़ी सी दिक्कत है, करीब वो भी सही होगी, आशीर्वाद दिया। क्या बात है। तो कितना परसेंट लाभ हो गया? अभी हो गया 80% तो हो गया। 80% हो गया, तो 20% भी होगा, ये तो दिल में पूरा उम्मीद हो गई होगी। जी श्री राम जी। तो भैया आप यहाँ पर रुके हुए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पूरा कैंपस से, मंदिर के नीचे का ये कैंपस है, तो कोई शुल्क वगैरह तो नहीं लिया गया रुकने का? नहीं नहीं, रुकने कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, रजाई गद्दा बिस्तर ये कैसे प्रबंध करा आपने यहाँ पर? जी बाहर से लिया था। अच्छा, बाहर से लिया। इसका कोई चार्जेस वगैरह लिया गया? कितना रुपए लिया गया? 10 रुपए गद्दे के साथ। 10 रुपए? 10 रुपए, मतलब 10 रुपए गद्दे के साथ। बात नहीं, मैंने 100 रुपए जमा कर दी, बाद में करेंगे। अच्छा, तो 10 रुपए तो नाम मात्र के ही मानिए, लेकिन सुविधा तो आपको, सुविधा बहुत अच्छी है, सुविधा मिल रही है आपको। 20 रुपए भी कम पड़, कोई ज्यादा नहीं है, कम है। तो भैया कितना खुश है आप मनोरा धाम से? बहुत खुश है सर, बाबा का प्यार आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। पूरा पूरा बाबा की तो कर, हम तो कह रहे हैं बाबा तुम हमारे धर्मकांटे पे चलो, श्री राम धर्मकांटा है आपका। अच्छा, अच्छा। हमको तो बाबा चाहिए और माता पिता ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दौलत बाबा है और माता पिता है। तो संतुष्ट हैं आप मनोरा धाम? जी जी संतुष्ट। आप भी रहेंगे मनोरा धाम जी? बोलो श्याम प्यारे के मनोरा धाम की जय हो। मनोरा धाम की जय हो। जय हो। जय श्याम प्यारे की। धन्यवाद भैया।